कशिश लखनऊ की हर एक चीज भुला देती है। ये लखनऊ है जनाब, यहाँ की हवा भी तहजीब सिखा देती है। सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है वीकेंड और वीकेंड की अभी शाम हो रही है, किस्मत से आज बारिश हुई है। तो बारिश नहीं, दो जिराफ दिखा रहे हैं। अरे जिराफ नहीं, मैं बादल दिखा रहा हूँ। देखो बादल, देखो तो मौसम आज हो गया सुहावना। हाँ। और हम लोग को थोड़ा सा निकलना था, मौसम को देखते हुए हम लोग ने सोचा थोड़ा सा घूम टहल लेते हैं। तो आज हम लोग ये जनेश्वर मिश्रा पार्क में घूमने टहलने आए हैं। अभी जा रहे हैं, अब यहाँ से टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। तो ये टिकट काउंटर है हमारा, 10 रुपए का मात्र टिकट है। हो गया, काफी सस्ता और इकोनॉमिकल घूमने का ऑप्शन। हाँ, तो आपको कुछ जगह समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आ जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाहर भी कोई बहुत कॉस्टली ऑप्शन नहीं है, यही सब, यही फुल्की उल्की है, लाई चना है और ये सब पॉपकॉर्न है। ये सब 5-10 रुपए में आप निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सूझबूझ का परिचय दीजिए अपनी वाइफ को, अपने दोस्तों को। जनेश्वर मिश्रा पार्क में बोलिए शाम को मौसम बहुत अच्छा है और टहलते हैं। 20 रुपए और 30 रुपए तक में आपका पूरा निपटा दीजिए पूरा। ये हमारा टिकट इतनी मेहनत से खरीदा, फाड़ दिया टिकट। अगर आप ऐसे घुसेंगे तो आपको घुसते साथ 2 मिलिट्री के टैंक दिखेंगे। एक मिलिट्री का टैंक ये है और एक टैंक उस तरफ है, वो देखो वो टैंक है उस तरफ है। पहली बात ये है कि हम लोग यहाँ जो एंटर किए हैं वो मेन गेट से एंटर किए हैं। इसके कई सारे गेट है, गेट नंबर 1, 2, 3 ना, गेट 1, नंबर 1, 2, 3 और बाकी आप बाउंड्री से भी कूद के एंटर कर सकते हैं, तो वो एक तीसरा ऑप्शन है। जिसको 20 रुपए भी नहीं देना, जिसको 10 रुपए भी नहीं देने, तो बाउंड्री से घूम सकते हैं। उसके लिए बाउंड्री वाला ऑप्शन है। मना है, ये चबूतरे पे चढ़ सकते हैं, ये वाले चबूतरे पे चढ़ना मना है। तो अगर आप लोग आते हैं तो भैया टैंक वैंक को मत छुइएगा। तो चलिए फिर टैंक को हम लोग बाय बाय बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब टैंक के बाद देखिए हमको जहाज मिलता है। एंड दिस इज द एरिया, ये जो एरिया है ये काफी अच्छा लगता है। ऊपर देखो इस तरीके से ऐसे डिजाइन बनाया है और ये देखो ऊपर से कितना खूबसूरत व्यू आता है। अगर पूरा ऐसे वाइड एंगल से दिखाएं तो दिस इज द व्यू। जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको व्यू मिलता है। अगर साइकिल मिल रही होगी तो साइकिल भी चलाया जाए। पहले सबसे पहले मैप देख लेते हैं, मैप ढूंढते हैं। वो है मैप, मैप जो है धूप के वजह से पूरा मतलब मिट गया है। धूप का असर देखिए तो सोचिए स्किन पे क्या असर पड़ता होगा। और ये पार्क इतना बड़ा है कि इसका पार्क का जो मैप लग रहा है जैसे लग रहा है किसी स्टेट का नक्शा है। देखते हैं हम लोग विशेषता में, हमारे पास ग्रीन बेल्ट है, लेक है, फाउंटेन है, नेशनल फ्लैग है, साइकिल ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, बाल्टी टैंक है, बैटल टैंक है। तो हमें जो है पहले फूड कोर्ट देखते हैं, सेंट्रल फूड कोर्ट। हाँ बुक्कर, तुम्हें तो खाली फूड कोर्ट ही दिखता है हर जगह। इनको ये जॉगिंग वॉगिंग साइकिल चलाने का नहीं है, इनको पहले फूड कोर्ट ही चाहिए। जब आदमी खा लेगा, पेट पूजा कर लेगा तब ना साइकिल वाइकिल। भाई पेट पूजा करने के बाद फिर आदमी बैठता है, साइकिल थोड़ी ना चलाता है। अब खाएगा फिर उसको आदमी वो करेगा ना एक्सरसाइज करके, ये थोड़ी खाने के बाद लुढ़क जाएगा। 300 रुपए चार्ज है पूरा 6 किलोमीटर का राउंड। और कितने लोग इसमें बैठेंगे 300 रुपए में? 5 लोग। अच्छा मतलब 60 रुपए पर पर्सन हो जाएगा। कितना टाइम लगता है पूरा करने में? 20-25। ये रास्ता काफी अच्छा लग रहा है ना? काफी अच्छा रास्ता है, यहाँ पे एकदम दुबई जैसे पेड़ लगाए गए हैं। कहीं पे भी पाम ट्री लगा दो तो दुबई बन जाता है, दुबई फील आने लगता है। और इस तरफ देखो, इस तरफ आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई है। ये है स्टैचू के पास हम लोग पहुंच गए। क्या चीज है इस पार्क में? आपको ऐसी है कि इस पार्क में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप झील का भी मजा ले सकते हैं, बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, साइकिलिंग का भी मजा ले सकते हैं, साइकिलिंग का भी मजा ले सकते हैं, गोल्फ कार्ट का भी मजा ले सकते हैं। और तो और ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है। कोई मतलब भीड़ भड़क यहाँ पे पूरा लखनऊ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, क्या ये बोट है? पैडल भी निकल गई है इसका, तो ये तो अंजा पंजा निकला है। ये जो बोट है एक्चुअली में शुरुआत में आई थी बट फिर बोटिंग बंद हो गई थी, तब से लेकर के अभी तक ये बेचारी इकलौती बोट है। हो सकता है इसके दोस्त वोस्त कहीं इधर उधर और पड़े हों। ये देखिए व्यू कितना अच्छा रहा, व्यू देखिए आप लोग, व्यू पे आप लोग व्यूज दीजिएगा बस, ऐसा नजारा एकदम
हम लोग आपको दिखा रहे हैं शाम अवध। ये देखिए खूबसूरती। अरे आप भी बीच में आ गए। मैं खूबसूरती दिखा रही थी। ये बताओ भाई साहब, ऐसा ये क्या ब्रिज में है? कितनी देर से हम लोगों को देख रहे हैं, वहीं अटके हुए, वहीं टिके हुए। एक्चुअली व्यू है जो लोगों को वहाँ पे ब्रिज पे खड़े होकर के मिल रहा है। तो चलते हैं ब्रिज पे, चल के देखते हैं। पानी गहरा है, झील में जल क्रीड़ा करना सख्त मना करेंगे। कैसे, कुछ है भी तो नहीं करने के लिए क्रीड़ा। क्रीड़ा क्या होता है? वाटर एक्टिविटीज। ओके, अमेरिका से आए हो भाई? वाओ, इस पे कार्पेट आरपेट बिछाई गई है। कार्पेट, रेड कार्पेट। अब हम लोग इस ब्रिज पे आ गए हैं, जिस ब्रिज पे इतनी देर से लोग थे। अब समझ में आया तुम्हें? ऊपर से मछलियां हैं, लोग ऐसे नहीं देख रहे नीचे। देखो कितनी मछलियां हैं। काफी सारी मछली है यार यहाँ पे। तो टोटोइज़ भी है। अरे मछलियों के बीच में एक टोटोइज। वो देखो लोग दाना वाना भी दे रहे हैं, इसीलिए ज्यादा मछलियाँ रहती है। पॉपकॉर्न भी लोग दे रहे हैं। मछली पॉपकॉर्न भी खाती है, मेरे को तो पता ही नहीं था यार। देखो आपस में लड़ाई भी हो रही पॉपकॉर्न खाने जा रहा है। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो हल्के से पॉपकॉर्न में कहाँ उनका पेट भरने वाला है। हम लोगों ने ये मछली के लिए ये खाना ले लिया है। अलाउड है ना भैया मछली को देना? अब हम मछली को देने जा रहे हैं। ढेर सारा एक साथ फेंकोगी ना, तब एक साथ ढेर सारी फेंको तब आएगी मछली ढेर सारी, तब पता चलेगा ना उसको। हम लोगों का 10 रुपए का खाना है, लोग यहाँ 100-100 रुपए का लेकर के आ रहे हैं, तभी तो भीड़ लग रही है। कोई नहीं, सारी मछलियों पर आ गई, हम लोग का खाना सफल हो गया। सबसे अच्छा नजारा तो मुझे यहाँ का यही लगा। तो हम लोगों ने मछली को चारा दे दिया है, बहुत ढेर सारी मछली थी और इसी वजह से ये जो ब्रिज है इस पे पूरी भीड़ लगी हुई थी। हम लोग जा रहे हैं साइकिल लेने। तो अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। और यार ये बैम्बू ट्रीज है सर, ये सारे जो है बैम्बू ट्रीज है। ये देखिए, ये थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला भी लुक दे रहे हैं आप। और ये है फूड कोर्ट, आगे चलो। फॉरेस्ट एरिया से होते हुए फूड कोर्ट है, अभी हम लोग फॉरेस्ट में आ गए हैं। बस फूड कोर्ट के नाम पे सिर्फ एक दुकान है, ये है फूड कोर्ट वाली दुकान, एक ही दुकान है। मैगी है, मैक्रोनी, पास्ता, स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो, फ्राइड राइस, चाउमीन, चाय, कॉफी। यहाँ का फूड कोर्ट में मजा नहीं आया। तो फूड कोर्ट काफी डिसअपॉइंटिंग था, हम लोगों को मजा नहीं आया, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारे जो हैं फ्यूचर रोनाल्डो और मेसी निकलेंगे। यहाँ भी आपको फील आएगा कि आप किसी दुबई के गार्डन में होती। यहाँ की फोटो डाल दीजिए, कोई समझ नहीं पाएगा। तो गेट नंबर 4 के पास हमें फाइनली साइकिल का, और ये देख साइकिल तो ठीक है, ये बच्चों वाला कैसे चढ़ा करके रखा हुआ है। हाँ, ये बच्चों वाली साइकिल है भैया। कितने की है साइकिल? 1 घंटे का 20 रुपए चार्ज है गाड़ी हमारी। साइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ रहा है। डबलिंग करनी नहीं अलाउड है, अलाउड ही नहीं है। दो साइकिल नहीं है आपके पास? दो साइकिल सही है। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है। एक तो आप देखो, आप कौन सी साइकिल लेना है? ये साइकिल अच्छी नहीं है, बड़ी कंडीशन खराब लग रही है इसकी। तो एक ये साइकिल आई, ये भी इसमें से भी पसंद कर सकते हो, ये थोड़ा सही लग रहा है। ये आप दे रहे हैं वापस ये वाली साइकिल से? अब हम इस वाली साइकिल पे आ गए हैं। ये वाली साइकिल थोड़ी ऐसी है, बीच वाली टाइप की है, लड़का लड़की दोनों चला सकते हैं, है ना? और थोड़ा सा डंडी लग रही है, ट्रेंडी लग रही है, ट्रेंडी डंडी लग रही है। आप इस साइकिल को लेकर बाहर सीधे बाहर निकल जाइए। और ये देखिए, पहली बार आप इनका शॉर्ट साइकिल में देख रहे होंगे, हमेशा ये गाड़ी में दिखते हैं आपको। साइकिल एकदम बड़ा शौक है ना साइकिल लेने का। अबे हमें लग रहा है ना, अगर हम ब्रेक ब्रेक मारो ना ऐसे बिखर ना जम जमीन पे, पूरा अजीब सी। कोई नहीं, हम समेट के कचड़े में डाल। और फिर गाड़ी की चाबी लेके निकल लेंगे। तो अगर मैं वापस ना आया तो गाड़ी डुगुर डुगुर चला के घर वापस पहुंच जाना, ठीक है? गाड़ी की चाबी मेरे हवाले कर दी। ये अब पीछे कैरियर भी नहीं है कि हमको बैठा लो। ये क्या कर रहे हो? कोई नहीं, इनको बुलाया गया है। इन्होंने पार्ट टाइम फोटोग्राफर का भी काम शुरू कर दिया यहाँ पे, इन्होंने थोड़ा सा टाइम हम देखा। कोई नहीं। बहुत बढ़िया फोटो खींचती अंकल ये, इनका यूट्यूब चैनल भी है। बस हो गया। अरे एक मिनट, अब जब अंकल खिंचवा रहे तो खींच, पूरी वीडियो बना रही क्या शादी? नहीं फोटो, अब उनको दिखा दे क्या सही है। आप जो फोटो उठा रहे हो यहाँ पर है ना, आप इनकी फोटो से फोटोग्राफी स्किल से सेटिस्फाइड हैं? आप सहमत हैं फोटोग्राफी? क्योंकि हम तो कभी सहमत नहीं रहते इनकी फोटोग्राफी से, ये हमेशा मेरा मुंह काट देती है। ठीक है, चलिए ओके।
तो ये हमारी साइकिल है, इसका एक टूर अगर दे दिया जाए, साइकिल का टूर, साइकिल का टूर। इसमें दो ब्रेक हैं, एक ये वाला ब्रेक, ये वाला, एक ये वाला ब्रेक, दोनों ही काम नहीं करते तो हैं। जब आप और... देखें कि सामने से भीड़ आ रही है, आपको ब्रेक की जरूरत है, हाँ। तो राइट वाला ब्रेक आप एकदम से ना दबाएं क्योंकि खराब है, लेफ्ट वाला ब्रेक पे आप आए और उसको दबाएं नहीं क्योंकि वो भी खराब है। हाँ, तो फिर करें क्या, दोनों ब्रेक खराब है, अपना पैर का इस्तेमाल करें। दो साइकिल बैठने वाला है नहीं, ये मुझको बैठा नहीं पाएंगे, हाँ। दो साइकिल मिल नहीं रही है, हम पैदल पैदल चल रहे हैं, हम 11 नंबर की बस से चल रहे हैं, ये 2 नंबर की बस से चल रहे हैं। तो अब ये देखिए हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये यहाँ पे ये एरिया आ गया, हमारी स्टैंड नहीं है यार, साइकिल को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया उनकी साइकिल वन पीस में देना है, वन पीस ही है ये, बस ये पीस लेट गया है। तो ये है, ये थोड़ा सा किड्स प्ले एरिया यहाँ पे, अबे इसे तो सिर्फ रखा गया है, सिर्फ ऐसे, इसे सिर्फ ऐसे रखा गया, किसी चीज से जुड़ा नहीं है। ये लोग अपने घर भी ले जाके अपना जॉगिंग ट्रैक खुद से बना सकते हैं। तो ये देखिए उठा के ले जाइए, ये मैट जो है ये ले जाके अपने अपने लोग घर में भी बिछा सकते हैं। नहीं हम ये नहीं दिखाएंगे, लोग आए सब रात भर में उठा के ले गए, तो करना नहीं है, मैं बता रही हूँ कि लोग ने किया होगा तभी तो बिखर गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये सीसॉ है, और यहाँ पे कोहरा ही कोहरा होगा, कोहरा दिखा होगा ना, क्या कुछ तो ख्वाहिशें होंगी बूंदों की भी, वरना कौन आसमां से गिरने के बाद जमीन पे आता है। एक बात आपको बता दें, न्यूटन ने कहा था आसमान से गिरने के बाद हर चीज जमीन पे आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल ही गलत शेर है, शेर दिल से होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे दिल ने शायरी की होती तो ऐसी शायरी न की होती, तभी पढ़ा लिखा दिल शायरी कर भी नहीं पाता है। ये देखो, चलो आ जाओ, देखिए पेड़ तोड़ के फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे, डाल तोड़ी गई है फोटोग्राफी करने के लिए, और एक ये है, इतने सारे फूल थे लेकिन इनको ये नहीं हुआ कि एक फूल तोड़ के दे दें, बोलते एक फूल वाली आई इनके पास, कहती है भैया गुलाब का फूल ले लो, तो ये कहते क्या है पता है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं चाहिए भैया, शादी हो गई है मेरी। देख रहे हैं आप इस शख्स को, तो हम लोग एक इस झूले पे बैठ गए, इस झूले को चलाने के लिए थोड़ी सी ताकत चाहिए होती है, खुद ही ताकत लगानी पड़ेगी इस झूले को, हमें झूले पलटेगा तो नहीं, पलटे वलटे का नहीं, काफी ज्यादा काफी ज्यादा मजेदार झूला लग रहा है मेरे को। अब आपको दिखाइए झूला कौन सा झूला था, ये झूला था, और ये इस तरीके से झूल रही है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये तो जनेश्वर मिश्रा पार्क का वीडियो हो गया, बट हम लोग लखनऊ से हैं और बाकी लखनऊ की बहुत सारी जगहों का वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि एक ये वीडियो आप साइड में देख रहे हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो और इस वीडियो को भी देख सकते हो, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी टाइम बहुत कम है, अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, बाय बाय।